अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आंसा। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी भिंडी की रेसिपी को शेयर करूंगी। इतनी मज़ेदार आपने भिंडी आज से पहले कभी नहीं खाई होगी, और आप देखेंगे कि इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। जो बिगनर्स हैं वो इसको ज़रूर ट्राई करें इस तरह से, इंशाल्लाह आपको रेसिपी अच्छी लगने वाली है। तो ये देखें कितनी मज़ेदार और चटपटी सी हमारी ये भिंडी की जो रेसिपी है वो रेडी हुई है। तो आप देखिएगा कि आपको ये बनाना बहुत ही आसान लगेगी, और आप जिस तरह से बनाते हैं उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार ये टेस्ट है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। जो भिंडी नहीं पसंद करते वो अब इंशाल्लाह इसे करेंगे। सबसे पहले इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ पर जो मैंने 1 किलो भिंडी ले ली है उसे इस तरह से धोकर अच्छी तरह से कट कर लिया है, छोटे छोटे पीसेज में अच्छी तरह से धोकर मैंने इसको कट कर लिया था। आप भी इस तरह से कट कर लें। तो आप एक कढ़ाई ले लें या कोई भी बर्तन ले लें जिसमें आप बनाना चाहते हैं इसको। इसमें हाफ कप आपने ऑयल ऐड कर देना है। हाफ कप आप इसमें ऑयल ऐड कर दें। ऑयल को ऐड कर देने के बाद हमने जो कटिंग की है भिंडी की उसको भी इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। अब हम सारी भिंडी को इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपकी छोटी कढ़ाई है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा सा करके भी ऐड करके फ्राई कर सकते हैं। अब हमने इसको बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई करना है। हमने इसका कच्चापन बिल्कुल दूर कर देना है, और इसको ब्लैक कलर भी नहीं देना है, आपने बस इसका कच्चापन दूर कर देना है। इस तरह से आप इसको फ्राई कर लें। भिंडी को फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपने इसको हल्की आंच पर आराम से फ्राई कर लेना है। इस तरह से आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाकर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, ताकि जो भिंडी है वो अच्छी तरह मिक्स होकर एक जैसी हमारी फ्राई हो जाए। तो भिंडी को अब हम फ्राई करने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखिए भिंडी जो है हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। इसको इस तरह से आपने कलर दे देना है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है और ये बहुत लाइट भी नहीं है। इसका हमने जो कच्चापन है वो ख़त्म कर लिया है। भिंडी को अच्छी तरह से फ्राई कर लेने के बाद हम इसको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। सारे भिंडी हमने इसी तरह से बाहर निकाल लेनी है, क्योंकि भिंडी हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आ चुका है। सारे भिंडी को इस तरह से ऑयल से अच्छी तरह से बाहर निकाल लें। जिस तरह से मैं आपको ये बनाना सिखा रही हूँ इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब इसी ऑयल में जो है हम प्याज को ऐड कर देंगे। 1 किलो भिंडी में हम कम से कम 4 से 5 जो है मीडियम साइज़ के प्याज ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से बारीक बारीक कटिंग की हुई है कटर के साथ। ये देखें लंबा लंबा मैंने इसका स्लाइस कट किया है बारीक बारीक। जो ये इस तरह से कटिंग होती है ना बारीक बारीक, वो जल्दी प्याज जो है हमारा फ्राई हो जाता है। प्याज को भी अब हमने इसी ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। प्याज को भी आपने जो है ब्लैक कलर नहीं देना है, आपने इसको भी गोल्डन सा कलर दे देना है, और इसको भी अच्छी तरह से फ्राई करके इसका कच्चापन दूर कर देना है। तो देखिए प्याज हमारा फ्राई हो रहा है। तो चलें अब हम इसके लिए और चीज़ें रेडी कर लेते हैं जो इसमें जाएंगी। प्याज जो है हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो ये देखें प्याज को भी मैंने लाइट सा गोल्डन कलर दे दिया है, बहुत लाइट भी नहीं है इसका कलर। आप देख सकती हैं ब्राउन सा कलर आ गया है। अब जो हमने भिंडी फ्राई की थी उसको इसमें ऐड कर दें। अगर आप जो है प्याज के भिंडी के साथ डाल देंगे ना, तो प्याज कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा, प्याज वाइट ही रह जाएगा। इसीलिए हमने भिंडी को पहले निकाल लिया था, ताकि जो हमारा प्याज है वो जल्दी भी फ्राई हो जाए और कलर भी अपना चेंज कर ले। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को ना अब आपने मिक्स कर लेना। प्याज को भिंडी के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लें, मिक्स कर लें। इस रेसिपी से आप ट्राई करेंगे ना इंशाल्लाह, ये भिंडी बहुत बनानी आसान है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार सा आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं कर रही हूँ आप करते जाएँ, और इस रेसिपी को अपने घर वालों को बनाकर ज़रूर खिलाएं। इंशाल्लाह उन्हें ये रेसिपी अच्छी लगने वाली है और भिंडी वो ज़रूर खाएंगे। तो ये देखें अब हमने यहाँ पर 3 से 4 जो हैं टमाटर उनके स्लाइसेस में कट करके ऐड कर दें, और 2 हरी मिर्चें भी मैंने बारीक कटिंग करके ऐड कर दी हैं। अब जो है हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको हिलाना नहीं है। अब यहाँ पर जो है अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर दें। 1/2 टीस्पून ही यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दें। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस जो हैं भिंडी में नहीं चाहते हैं, कम ही स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो 1/2 टीस्पून ही आपने इसमें हल्दी भी ऐड कर देनी है। अच्छी तरह से आप स्पाइसेस को ऐड करके इसको मिक्स कर लें।
ये देखें बिल्कुल इस तरह से आप मिक्स कर सकते हैं। जो आपकी फ्लेम है वो आपकी लो होनी चाहिए, हाई फ्लेम पर जो है भिंडी बिल्कुल भी मत पकाइए, लो फ्लेम पर ही इसे बनाएं। तो ये देखें भिंडी का कितना अच्छा कलर आ चुका है। अच्छी तरह से हमने इसको अब मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद अब हमने इसको दम भी दे देना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको दम पर रख देंगे मिक्स कर लेने के बाद। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। बहुत ज़्यादा हमने इसको मैश नहीं कर लेना है टमाटर को, आपके जो टमाटर हैं प्याज हैं वो अलग अलग दिखने चाहिए। तो ये देखें अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद सब चीज़ों को अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए दम रख देंगे। तो ये देखिए भिंडी जो है हमारी बहुत ही यम्मी और टेस्टी सी रेडी हो गई है, ऑयल इसका अच्छे से बाहर आ गया था। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह से भिंडी हमारी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेडी हुई है। इसका जो आप देख सकते हैं प्याज है, टमाटर है, भिंडी है, सब चीज़ें अलग अलग पता चल रही हैं। ये नहीं है कि सब घुल मिल गया है, नहीं, बहुत टेस्टी और यम्मी सी है हमारी जो है भिंडी रेडी हुई है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हमने इसको ऑयल यूज़ नहीं किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ऑयल ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। इस तरह से जो भिंडी बनाई जाती है वो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। आप देख सकते हैं ना तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल है और ना ही ये बहुत ज़्यादा इस तरह से है कि घुल मिल गई है। एक एक चीज़ अलग अलग आपको पता चल रही होगी। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह सब लोग जो भिंडी पसंद नहीं करते हैं वो भी इसे पसंद करेंगे। तो कैसी लगी आपको रेसिपी प्यारे से लाइक और कमेंट के साथ बताइए। तो मिलते हैं एक न्यू और डिलीशियस रेसिपी के साथ। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।